मैंने चूज़ किया वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पर मैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शायद मैं जाने वाला हूँ तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं देखो सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है हमें यहाँ सिखाया नहीं जाता कि हम एक कुएँ से बाहर कैसे सोचें तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम एक रूरल बैकग्राउंड से हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम आस पास के शहरों में ही चले जाएं बस उससे बियॉन्ड हमारी सोचने की कैपेसिटी को डेवलप नहीं किया जाता तो और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ टैलेंट इतना ज़्यादा है एक गांव खेत से उठा हुआ बच्चा जो है वो अगर मिलिट्री में जनरल बन सकता है तो वो साइंटिस्ट भी बन सकता है वो रॉकेट भी उड़ा सकता है तो हमारे बच्चे जो है उनको बताया नहीं जाता तो इसीलिए वो टैलेंट क्या होता है वो टैलेंट दब जाता है अब मुझे सर ने कहा कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बच्चों को बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं अब हम चीज़ों को कैसे सीखें कैसे करें या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हम भी दूसरे कंट्री जाकर या किसी बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट में जा रिसर्च का काम करें क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कितना सोचते हैं अगर हम सोचेंगे कि हमें आगे जाके करना है तो हम कर पाएंगे तो मैं वही आपको बताऊंगा कि हमें अगर अब्रॉड अप्लाई करना है अगर अगर हम एब्रोड जाना चाहते हैं खास करके रिसर्च के बेसिस पे रिसर्च करने के लिए क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेटस्टिक्स दूँ इंडिया में हर साल अराउंड टू हंड्रेड बिलियन डॉलर खर्च होता है रिसर्च के ऊपर वहीं जो वेस्ट है वहाँ पर ट्रिलियन डॉलर मतलब इंडिया से पाँच गुना छः गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो वन पॉइंट थ्री बिलियन है और उसमें भी टू हंड्रेड बिलियन डॉलर्स में से मैक्सिमम हमारी स्कॉलरशिप्स पर जाता है ना हमारे यहाँ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है अब तक अनफॉर्चुनेटली ना आगे उसकी उम्मीद रखती है तो आपको क्यों अब्रोड जाना चाहिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहली बात कल्चरल एक्सपोजर जो कल्चर आप यहाँ देखते हैं और जो कल्चर आप वहाँ देखते हैं बिल्कुल अलग हैं दोनों बहुत अलग हैं उससे आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है आपकी जो ब्रॉडनेस है अंडरस्टैंडिंग की वो मल्टीपल टाइम्स या मैं कहूँ एक्सपोनशली इंक्रीज हो जाती है दूसरा होता है कि आपको रिसर्च का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको वो लेबोरेट्रीज़ मिलेंगी वो आपको काम करने की जगह मिलेगी वो प्रोफेसर्स मिलेंगे वो कॉन्फ्रेंस मिलेंगी जो शायद इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये तो पहली चीज़ है तो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये चीज़ें जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है कि हमें करना कैसे चाहिए अब अगर अब अब मान लो कि हमारा सपना है कि हम हमें भाई ये करना है तो इसकी स्टार्टिंग टर्मिनल पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब जो हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स किया है सबने ठीक है आप सबने मास्टर्स किया हुआ है अपना ठीक है आप सबका मास्टर्स है अब देखो हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो मास्टर्स के साथ जो एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इसको मास्टर्स बोला है लेकिन ये ये रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स नहीं है ये करिकुलम ओरिएंटेड मास्टर्स है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस मास्टर्स के दौरान आपका इंटरेस्ट क्या है आपका इंटरेस्ट क्या है आपको वो डेवलप करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट ये है अब मान लीजिए मैं इंटरनेशनल रिलेसन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था मेरा जो इंटरेस्ट था वो जो है वॉर्स एंड इन सब पर था इंटरनेशनल रिलेशंस पर था सो आई हैड ए थिंक यार मेरे को ये करना है मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस करना है मेरे को इसके ऊपर काम करना है मेरे को वॉर्स न्यूक्लियर पॉलिसी इन सब पर जाना है तो सबसे पहले आई हैड अ क्लिक ऑन माई इंटरेस्ट कि यार मेरा इंटरेस्ट ना ये है तो जब आपको आपका इंटरेस्ट पता होगा ना देन यू स्टार्ट गेनिंग नॉलेज अबाउट दैट आप उसके बारे में ना नॉलेज इकट्ठी करोगे उसके बारे में आप कोर लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करोगे कोर लिटरेचर का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड बुक्स जो हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हमें हमारे कॉलेजेस में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती वो सारी की सारी किताबें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे जो कि आमतौर पर हम नहीं पढ़ते एग्जाम के लिए हमें सिर्फ रेफरेंस के लिए पता होता है कि उस राइटर की वो किताब है लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं हैं तो आप क्या आप उन चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे ये आप कब कर रहे होगे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ मास्टर्स कर चुके हैं जहां तक मुझे लगता है अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप ये कर सकते हो या ये एक ऐसा प्रोसेस हो जो आई थिंक साल दो साल चलता रहता है आप उसको अभी से स्टार्ट करते रहो आप अपने साथ में अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो इम्प्रूव करते रहो ये बेसिक चीज है कि ये हमें क्यों करना चाहिए क्योंकि आप जब वहां जाओगे या आप जब आ, उन स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करोगे जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं तो अगर आपने वो नहीं कर रखा तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे तो ये पहली चीज़ है कि आपको अपना इंटरेस्ट पता हो कि मेरा ये इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट के किस पर्टिकुलर पार्ट पर मुझे क्या करनी है रिसर्च करनी है ठीक है इंडिया में रिसर्च की सबसे बुरी हालत इसीलिए है से आई एम नॉट बीइंग वेरी क्रिटिकल लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों को पता नहीं है कि हम रिसर्च किस चीज़ पर करें तो जब आपको ये नहीं पता ये आइडिया नहीं है आपके अंदर से एक वो जो कहते हैं दिल की आवाज नहीं निकल रही है रिसर्च के लिए कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड पर करना है तो हम शायद ज्यादा नहीं कर सकते वेल दैट इज अनदर पॉइंट उसके बाद में ये मैंने बताया आपको कि आपने अंडरस्टैंड किया कि मेरा ये रिसर्च का मैं इस फील्ड को चुनना चाहता हूँ अब देखो होता क्या है एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ठीक है एक होगा प्रोसेस उस प्रोसेस के अंदर होता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे हम अप्लाई कैसे करेंगे देखो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का प्रोसेसर क्या है एक फॉर्म आता है हम उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं वी गो टू एन एंट्रेंस एंट्रेंस देते हैं पी एच डी का इंटरव्यू है, देते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है और हम रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं ये प्रोसेस होता है बट वहाँ प्रोसेस ये नहीं है वहाँ प्रोसेस बहुत अलग है जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म तो है एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपकी बेसिक जो कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करते हैं एक बहुत लंबा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें क्योंकि आप फॉरेन का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी नाम डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर और हर तरह की चीज़ें जो होती है काफ़ी बड़ा होता है वो लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ वेरी बेसिक अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एड्रेसेस uh, वो पाँच से सात बार पूछते हैं या वो आपका नाम ब्लड ग्रुप आपकी हाइट वेट ये बहुत बेसिक होता है उनका एप्लीकेशन लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो आती है दूसरी चीजें आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और फिर आपको पूछते हैं कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन और देखो ये जो चीज़ें हैं ये शायद हमारे यहाँ हमें कभी नहीं बताते कि वट इज़ योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वट इज योर पर्सनल स्टेटमेंट वट इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज वट इज वाई यू वॉन्ट टू जॉइन दिस पी एच डी अगर हमारे यहाँ ये चीज़ें पूछनी स्टार्ट कर दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें स्मूदन हो सकती हैं लेकिन हमें कभी नहीं पूछा जाता कि भाई वाई यू वॉन्ट टू जॉइन द पी एच डी हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ एल ओ आर का क्या मतलब होता ये है ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हैं ये क्या हैं ये सिर्फ एप्लीकेशन के वो पार्ट्स हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे फुलफिल करने पड़ेंगे आप अप्लाई करने के लिए उसके बाद में देर आर सर्टेन प्री रिक्वेजाइट्स यहाँ पर कुछ और एडोन्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी जैसे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा एक आपको आपके बेसिक एप्टीट्यूड एक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन हम उसको बोलते हैं एक वो बेसिक एप्टीट्यूड का एग्जाम आपको देना पड़ेगा वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या हम उनको नहीं कर सकते बहुत सिंपल चीज़ें हैं इसके बारे में मैं थोड़ी सी देर में बात करूँगा उससे पहले मैं आपको ये चार चीज़ बताता हूँ जो कि एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ठीक है तो देखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है ऐसा होता है हमने हमारे यहाँ मास्टर्स की हमने यहाँ मास्टर्स की हमारी तो अब जब हम मास्टर्स करते तो ओन एंड अराउंड हमें चार से पांच प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं अब आपके चार से पांच प्रोफेसर्स या हो सकता है किसी डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट हो छः से सात भी होते हैं ये जो प्रोफेसर हैं ये आपके नाम पर एक लेटर लिखते हैं एक वो फिजिकल लेटर नहीं होता वो एक ई होता है एक ई लिखते हैं कि भाई दिस सो एंड सो एक्स वाई कैंडिडेट जो है ये मेरे साथ या हमने हमारे डिपार्टमेंट में ये बंदा पढ़ा है या ये जो है स्टूडेंट पढ़ा है और ही और शी इज़ गुड इन अकेडमिक्स ये अकेडमिक्स में अच्छा है को करिकुलर में अच्छा है दे हैड सर्टेन अदर एक्टिविटीज़ इन्होंने अच्छी की हैं अब इसका क्या मतलब आता है जब आप के जो मास्टर्स के जो प्रोफेसर हैं या एम के अगर स्कॉलर्स हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि एम की वहाँ पर एक अलग से रिक्वायरमेंट है अगर आपने रिसर्च अगर किया होता है तो बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है वो आपके नाम पर ऐसे एक लेटर बनाते हैं और ये आपको लेने होते तीन प्रोफेसर से तीन प्रोफेसर से तीन प्रोफेसर मैं जब यहाँ था मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस के मैंने तीन प्रोफेसर से ये लिया था तो वो आपको कैसे करना पड़ेगा जब आप जब आप मैंने ये आपको बताया जब आप ये फॉर्म अप्लाई करोगे बेसिक इन्फॉर्मेशन का तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको तीन ई देनी पड़ेंगी तीन ई मेल्स यहाँ से आप तीन ई देंगे कि हम इन तीन प्रोफेसर उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है आपने उनके साथ कितने साल काम किया है एज ए स्टूडेंट काम किया है हो सकता है आपने एज ए रिसर्च काम किया हो या हो सकता है आपने एज ए असिस्टेंट काम किया हो कितने साल आपने काम किया है और उसके बाद एक ई जाएगा आपके प्रोफेसर के पास कि हम हमें आपके स्टूडेंट ने आपके किसी स्टूडेंट ने ऐसे अप्लाई किया है आप प्लीज़ उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सो यू नीड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद योर प्रोफेसर आपको क्या अपने प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक ईमेल आपको भी आएगा कि हमने आपके प्रोफेसर को ईमेल भेज दिया है आप उनसे बात करिए वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेंगे सो so, आपकी रेपो आपके प्रोफेसर के साथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ठीक है ये थोड़ी सी ये छोटी सी डिमांड हो जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोफेसर के साथ आपके प्रोफेसर को लगे कि या हाँ ये जो स्टूडेंट है ही और शी कैन डू अ फ्यू थिंग्स बेटर तो वो आपके लिए ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेंगे ये आपको करने होते हैं तीन देखो ये जो है तो कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है हमारे यहाँ प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं बात मान लेते हैं हम उनसे जो रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो ये बहुत सिंपल है आपको इसके लिए बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनका तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहें कि जब ई आए क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है फिर वो जो लिंक होता है वो एक्सपायर हो जाता है उसके बीच में जैसे वो सात दिन का होता है तो विद इन सेवन डेज एट डेज आपको वो फुलफिल करना होता है वो डालना होता है तो प्रोफेसर्स की ये से आप कांटेक्ट में रहेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये काम अब तक ऐसा काम है जो आप नहीं कर रहे हो ये आप एनी हाउ दूसरे लोग आपके लिए कर रहे हैं ठीक है सिर्फ आपने अब तक क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड की थी अब देखो अब बात आती है ये तीन चीजें ये तीन चीजें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पर्सनल स्टेटमेंट अब ये पर्सनल स्टेटमेंट क्या है देखो तो जब भी आप एक बात इमेजिन कीजिए कि एक दस हजार किलोमीटर दूर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा आप कौन उन्हें हम कैसे बता सकते हैं हम उनको वीडियो नहीं दे सकते उनको मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हम उनको लिख सकते हैं इंडिया के साथ और हमारे जो अनफॉर्चुनेटली uh, हमारी जो एडुकेटेड क्लास है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट राइट हम लिखते नहीं हैं हम लोग क्या है हमें लिखना भी होता है तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपनी चीज़ें हम अपने मैसेजेस को डायरी में पेपर पे कन्वे नहीं करते हैं कभी भी अगर आपको बहुत एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी है आई वुड से दिस इज़ अ हैबिट आप बाहर जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं सनादर थिंग लेकिन अगर आपको एक बहुत अच्छी डेवलप हैबिट डेवलप करनी है, भी, है भी करने, तो स्टार्ट राइटिंग योर था ऑन सम पीस ऑफ पेपर डायरी में लिखना स्टार्ट करें या रैंडम थाट्स हैं तो पेपर पर पे लिखे फेंक दे कोई बात नहीं लेकिन उसको लिखना स्टार्ट करें तो जो पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि मैं कौन हूं मैंने अब तक क्या किया है मतलब कि मेरा पूरा बैकग्राउंड मेरा पूरा बैकग्राउंड मैं कौन हूं मैंने मेरी एजुकेशन कहाँ से की किस फील्ड में की मैंने क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं कैसे कैसे मैंने अब तक यहाँ तक मैं पहुँचाऊँ हो सकता है आपने बैचलर्स करी हो बैचलर्स में आपने किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए कि आप एन में थे आपने एन करी है तो अब हम मैंशन करेंगे किसी ऐसे ऐसे मैंने एन भी करी हुई है आप एन में थे आपने एन बताया फिर हो सकता है कि कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो सकता है आपने कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो हो सकता है आपने इंटर यूनिवर्सिटी किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो तो अब वो सारी चीजें यहां ये अराउंड दो से तीन पेज का होता है ये दो से तीन पेज का होता है ये आप इसको लिखेंगे पूरा ब्रॉडली एवरीथिंग एवरीथिंग शुड बी रिटर्न इन दैट जैसे मैंने मैंने एमएससी मैथमेटिक्स भी करी मैंने बैचलर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स करी फिर देना स्विच टू पॉलिटिकल साइंस तो एक लोगों को ऐसा अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये कैसे हुआ मतलब हाउ इज दैट चेंज कि भाई एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे तो आई आई हैड एवरीथिंग मेरा जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैंने वो लिखा वो मैंशन किया तो वैसे ही जो भी चीज़ें आपने करी हैं हो सकता है किसी ने बैचलर्स के बाद जॉब करी हो एक साल फिर उन्होंने सोचा हो कि नहीं आई शुड पर्सन यू माई मास्टर्स तो मास्टर्स के लिए आ गए फिर अब वो ये चाहते हैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट तो उसमें ये वो ये सारी चीजें मैंशन करेंगे कि मेरे पास इस तरह का एक्सपीरियंस है तो ये जो चीज़ें होती है ना पर्सनल स्टेटमेंट दिस इज दिस शुड बी वेरी पर्सनल टू यू वो ऐसी चीज होती है कि आ, ऐसा होता है कि वो आपको रिफ्लेक्ट करे वो तीन पेज वो तीन पेज जब अगर कोई पढ़े तो उसको आपकी बेसिक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भाई सो एंड सो कैंडिडेट हैज़ डन सो एंड सो थिंग्स आपने जो भी किया है और ये आप अगर छोटे से छोटा आपने प्राइज़ जीता है हो सकता है आपने कॉलेज के अंदर किसी डिबेट में प्राइज जीता है यू शुड मैंशन दैट कि मैंने एक ऐसा प्राइज जीता है हो सकता है कि आपने आ, कोई आ, स्लोगन राइटिंग में प्राइज़ जीता है यू शुड मैंशन दैट आप बैठें इसको तीन चार दिन लगाएं यार मैंने अब तक लाइफ में किया क्या है और ये अगर आप इसके लिए नहीं करना चाहते तो जस्ट वैसे ही अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी आप लिख के देख सकते हैं दिस इज अ नाइस हैबिट ठीक है तो ये होता है पर्सनल स्टेटमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिवर्सिटी जानना चाहती है देखो अगर मैं सिंपल अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ हम किससे दोस्ती करते हैं जिसको हम जानते हैं हम किसी अनजान से दोस्ती नहीं करते तो उसी तरह यूनिवर्सिटी आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर कब लेगी जब वो आपको जानती होगी तो ये वो चीज है जो आपको और यूनिवर्सिटी के बीच में एक ब्रिज बनेगी जितना स्ट्रांग ये ब्रिज होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है इसके बाद में आता है जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है स्टेटमेंट ऑफ परपज अब देखो ये जो ये जो है ना एसओपी हम इसको बोलते हैं एसओपी या एसओ बोल लो आप देखो अब तक हमने बात करी कि मैं क्या हूं मैंने क्या किया है बट नाउ द थिंग इज़ कि मैं आपके साथ मिलके क्या करना चाहता हूँ क्या करना चाहती हूँ दैट इज़ द थिंग यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कि आपने uh, 2015 में कहाँ पर किस डिबेट में प्राइज़ जीता था हमें आप पता चला वी आर हैप्पी विद डेट कि आपने प्राइज़ जीता है आपको करिकुलर में अच्छे हैं आप अकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ एज ए यूनिवर्सिटी मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप यहाँ आकर क्या करना चाहते हैं क्या आप यहाँ पर आकर सिर्फ ऐसा मौज मस्ती के लिए आना चाहते हैं या यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन रिसर्च क्योंकि अगर अगर यूनिवर्सिटी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या पाउंड या जो भी करेंसी वो स्पेंड कर रही है तो अल्टीमेटली दे वॉन्ट सम रिजल्ट ना दे वॉन्ट सम रिज़ल्ट और रिज़ल्ट के लिए वो ये पूछना चाहते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है वाई यू वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी कैंपस में आप क्यों आना चाहते हैं आप जिस पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ काम करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं तो आपको पर्पज क्लियर होना चाहिए जैसे मैंने बताया आपके पास आपका इंटरेस्ट है आपके पास आपका इंटरेस्ट है आपके पास जैसे आपका इंटरेस्ट है नाउ यू नो कि मुझे करना क्या है आपके पास आपका इंटरेस्ट है आपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज किया अब आपको एक ब्रॉडर आइडिया है कि यार मैंने ना इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करनी है सो यू विल राइट एवरीथिंग अबाउट दैट इन वन और टू पेपर एक और एक दो पेजेस में आप ये चीज लिखेंगे दो पेजेस में हम आमतौर पर इसको लिखते हैं कि सी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकता है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं लिथियम आयन बैटरीज पे काम करना चाहते हैं तो यू विल राइट ऑल अबाउट दैट इन दैट पेज हो सकता है आप आ, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट करना चाहते हैं तो दे विल राइट अबाउट दैट तो मैं अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर करना चाहता तो आई वुड हैव रिटन है कि यार मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसे ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि अब तक जो रिसर्च हुआ है उसके अंदर ये कुछ कमियाँ हैं या आई कुड हैव कंट्रीब्यूटेड दैट तो वो सब आप यहाँ लिखेंगे कि मेरा पर्पस क्या है कि मैं क्यों आना चाहता हूँ तो ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा ये आपको खुद से भी पूछना पड़ेगा ये आपको अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि यार मैं ये इस पर्टिकुलर फील्ड में क्यों रिसर्च करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ तो जब आपको आपके वाई का आंसर मिलेगा आपको आपके वाई का आंसर मिलेगा आप इसको लिख पाएंगे इसके लिए आपको सबसे पहले मैं अगेन वहीं जा रहा हूं स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक होना चाहिए कि यार सी दिस इज माई इंटरेस्ट ये काम मैं दिन में चौबीस घंटे बैठ के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सी आई कैन डू दिस मैं ये करता हूँ तो मुझे मजा आता है मैं ये काम इस चीज़ को पढ़ती हूँ या ये रिसर्च करती हूँ ना तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि यार कोई बोझ है मैं उसको कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके इंटरेस्ट की उसके साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो है वो बन पाएगा ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं दो चीज़ें आपके हाथ में दो चीज़ें आपके हाथ में कहीं भी एप्लीकेशन इस बेसिस पर जज नहीं की जाती कि आपकी एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है दूसरी चीज़ बहुत वीक है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी नहीं वो लोग मैं ऐसा मानता हूँ बहुत लीनियंट हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद यू कि आपने ऐसा लिखा हुआ है आप उसको विल यू प्लीज लैबोरेट अबाउट दैट मेरे पास बहुत ई आते थे कि विल यू प्लीज इलेबरेट दैट यू हैव रिटन समथिंग इन योर स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पज वट अबाउट दैट उसमें काम कैसे करना चाहेंगे हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ उस पर्टिकुलर फील्ड की नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड की हैं सो वुड यू लाइक टू डू वर्क ऑन दैट तो वो बहुत आप अंडरस्टैंडिंग है वो ये चाहते हैं कि जो यंग ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये कहीं भी आप ऐसा ना समझें कि यार वो तो बहुत बड़े लोग हैं और हम तो उनको ईमेल करेंगे तो पता नहीं वो लोग रिप्लाई करेंगे नहीं।, नहीं बहुत बहुत टाइम से और मैं कहता हूँ बहुत डिसिप्लिन वे से वो लोग आपके रिप्लाइज करते हैं तो कहीं भी ये ना समझें कि यार मेरे तो यार प्रोफेसर जो हैं वो शायद मेरा जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत अच्छा नहीं लिखेंगे दैट डजेंट मैटर वट मैटर्स इज़ कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एंड आपका पर्सनल स्टेटमेंट आपने कैसे उसको मोल्ड किया है कैसे लिखा गया तो ये चीज़ दो चीज़ आपके हाथ में आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इनके ऊपर आप इंटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं आप अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ना स्वाट एनालिसिस एक स्वट एनालिसिस होता है आप सब देखना यूट्यूब पर जाकर एक स्वॉट एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो आप करके देखना कि व्हाट आर योर वीकनेसेस आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं मेरा वजन 110 किलो है लेकिन क्या है मैंने चार पाँच महीने बहुत मेहनत की एंड मै आई रिड्यूज दैट टू सेवेंटी के तो मेरा ये स्ट्रेंथ है कि आई एम वेरी परसिस्टेंट अबाउट समथिंग तो मैंने क्या पर्सनल स्टेटमेंट में मैंशन कर दिया सी सर आई एम वेरी परसिस्टेंट अबाउट माय वर्क आई हैड हैस्ट्रेटेड माय परसिस्टेंस विद दिस कि मैंने ना अपना वजन कम करके दिया सो दिस बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ यू कुछ महीनों पहले वो आपकी वीकनेस थी क्या फिजिकली फिट नहीं है बट दैट बिकेम अ स्ट्रेंथ तो इस तरह का एनालिसिस इस तरह की रिसर्च आप जो है आप करें बहुत बेनिफिट होगा आपको तो ये दो चीज़ें आपके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये आपने करनी है ठीक है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा देखो करना पड़ता है थोड़ा सा स्ट्रगल होता है प्रोफेसर से बार बार, बार बात करना हमें भी हम है थोड़े हेजिटेट है है करते हैं कि यार सही है नहीं है लेकिन गो विद दैट क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है ना you know, प्रोफेसर के पास जॉब है दे आर डूइंग दे आर वेल पेड ऑफ लेकिन आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में अभी आ, जो लास्ट की जो चीज़ है वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत सिंपल है इसमें ये पूछना चाहते हैं वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स अब ये बहुत लोगों को लगेगा कि यार स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और ये तो सेम ही हो गया ना फर्क क्या है इसमें देखो स्टेटमेंट ऑफ परपज़ में आप सारी की सारी बात करेंगे प्रोफेशनली आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ रिसर्च आई वुड यूज़ दिस काइंड ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी आई वुड वर्क इन दिस फील्ड आई वुड वर्क विद दिस प्रोफेसर और जो कहते हैं ना बहुत बहुत हम प्रोफेशनल होंगे सिर्फ उसमें वी विल नॉट मैंशन दैट यार मेरे पेरेंट्स है ना वहाँ रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ऐसा नहीं लिखेंगे हम ये हम लिखेंगे इसमें वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन में me, कि यार हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं सी आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ आई वॉन्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड आई वॉन्ट अ मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट अराउंड मी तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं हर जगह मैंडेटरी नहीं है ये कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं पूछती कई यूनिवर्सिटी पूछ लेती हैं तो ऑप्शनल है मैंने जब अप्लाई किया था तो आई थिंक मैंने पाँच छः में किया था दो या तीन ने पूछा था तो बहुत एक छोटा सा लिखना होता है पाँच से सात लाइन का दस लाइन का तो आप वो बता सकते हैं हो सकता है आपकी इच्छा हो भाई हम सबकी इच्छा है वी वॉन्ट टू ट्रैवल यूरोप वी वॉन्ट टू ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया वी वॉन्ट टू ट्रैवल न्यूजीलैंड वी वॉन्ट टू ट्रैवल यूनाइटेड स्टेट्स तो हो सकता है आप ये कहें कि यार सी आई वॉन्ट अ कल्चरल डिफरेंस या आप ये कह सकते हैं कि सी आई वॉन्ट अ बेटर अपॉर्चुनिटी माई फैमिली फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन सो इसमें कुछ गलत नहीं है हम वहीं अट्रैक्ट होते हैं जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हम ऐसा लिखें कि यार आ, आ, मैं जो है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहता हूं तो ये आप मेंशन कर सकते हैं नोट अबिक अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये सब हम कब कर रहे होंगे ठीक है ये सब हम कब करेंगे इससे पहले हम कुछ काम और करेंगे ठीक है जो कि इससे इंपॉर्टेंट है ये सब तो मैंने वो बताया जो आपको करना है ठीक है लेकिन इससे पहले क्या होता है जब हम मान लीजिए कि हम शूज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम फ्लिपकार्ट बहुत रिसर्च करते हैं यार दोस्तों से पूछते हैं यार ये जूते का सोल ऐसा है ऐसा चाहे हमें नहीं पता लेकिन वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च तो जब हम एक पी के लिए एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी हमें थोड़ी से रिसर्च करनी पड़ेगी ठीक है अब ये रिसर्च कैसी होती है कि भाई मैं कैसे जानना चाहूँगा कि मेरे को क्या करना है कैसे करना है हैं so सो देखो ये जो है इसमें लगता है दो से तीन चार महीने आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं या आप कैसे करना चाहते हैं आप क्या करेंगे आप गूगल पर जाएंगे अब वहाँ अपनी रिसर्च लिखेंगे कि आ, या आप उसमें सीधा सीधा लिखेंगे कि सम यूनिवर्सिटीज़ मैंने जैसे लिखा था कि टॉप फिफ्टीन यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर रिसर्च और फिर और पब्लिक पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस और इन इंटरनेशनल रिलेशन तो वहाँ एक पेज खुल जाते हैं जैसे आपको दस से बारह यूनिवर्सिटीज़ या पंद्रह यूनिवर्सिटीज़ मैं जब करा था तो मैंने बहुत सारी देखी थी अराउंड थर्टी थर्टी फाइव यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी थी उसमें से क्या है मैंने जैसे चालीस यूनिवर्सिटीज़ देखी यूनिवर्सिटीज मैंने गूगल पर सर्च की उसमें से मैं फिल्टर करते हुए आया फ़िल्टर करते करते मैं पहुंचा यूनिवर्सिटीज पे ये पहले आपका interest. आपका interest क्या है? पहले आपका दूसरा है कि क्या आपका इंटरेस्ट वहां के प्रोफेसर के साथ को कर है? क्या उनका इंटरेस्ट भी वही है जैसे मैं जब करा था सिक्योरिटी स्टडीज पर न्यूक्लियर पॉलिसी पर तो मैं ये देखता था कि प्रोफेसर का काम अगर पब्लिक पॉलिसी पर है तो बिगनू मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दो बहुत अपोजिट चीज़ें है और अगर मेरे प्रोफेसर अगर मैं जिसके साथ काम करना चाहता हूँ उनका काम उसी पर्टिकुलर फील्ड में है उसी पर्टिकुलर रीजन पर है तो आप क्या करोगे आप उस यूनिवर्सिटी को टिक कर लोगे कि हाँ ठीक है इस यूनिवर्सिटी को मैं दोबारा से रिव्यू करूँगा जैसे ही आप फैकल्टीज़ को देखते जाओगे यूनिवर्सिटी आपने मान लीजिए कि मैंने जब मैंने कोई एक एक्स यूनिवर्सिटी देखी उसके अंदर मेरे को फैकल्टी मिल गई दो फैकल्टीज मिल गई दो फैकल्टी मिल गई जिसका जो जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे से जैसा मिलता है तो मैंने इसको मार्क कर लिया कि ठीक है यार आई विल रिव्यू दिस अगेन तो मैंने इसको अपने इस बॉक्स में डाल दिया दस वाले डब्बे में कि हाँ यार इसको बाद में फिर से देखना है तो मैं चालीस यूनिवर्सिटीज से मैंने स्टार्ट की थी पंद्रह यूनिवर्सिटीज़ मेरी वहाँ पर कैंसिल आउट हो गई मेरी यहाँ यूनिवर्सिटीज बच गई ट्वेंटी फाइव मैंने देखी हर किसी की फैकल्टी देखो ये बहुत टाइम इंटेंसिव है बहुत लेबर इंटेंसिव आप सारी रात लैपटॉप पर बैठे रहोगे देखते रहोगे तो ये आपको करना पड़ेगा सी दिस इज योर फ्यूचर यू नीड टू डू दिस तो आपके यहाँ से आपने चालीस यूनिवर्सिटी आपने पहले निकाली थी जिसमें हो सकता है कि बहुत कई यूनिवर्सिटीज़ हैं ना टॉप टॉप फाइव टॉप सेवन मास जैसी ठीक है और वो वैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ मेरा नहीं हो पाएगा आपने वैसे हटा दी ठीक है वहाँ पर फील्ड भी है सब है लेकिन आपने वैसी रखी जो ठीक रेंज में है जिनकी रैंकिंग अच्छी है नॉर्मल है और जो कि थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ आप ये सोचते हो कि मेरा एडमिशन हो सकता है जहाँ मेरी फैकल्टी है जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर काम करिए तो आपने क्या क्या वैसी दस पंद्रह बीस यूनिवर्सिटीज़ छाट ली अब आपने जब पंद्रह बीस यूनिवर्सिटीज जब छाट ली है उसको अगेन आपने फ़िल्टर करना है अगेन आप फिल्टर कैसे करोगे आपने देखा था आपकी फ़ैकल्टी जो है मैंने एक्स यूनिवर्सिटी जो देखी थी उसकी जो दो फैकल्टीज हैं वो उनका इंटरेस्ट यही है पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल पर देखा था उनका इंटरेस्ट यही है बाद में मैंने इनके सीवीज डाउनलोड किए सी जो है मैंने वो डाउनलोड करें सी डाउनलोड करने के बाद ये देखा और उनकी सी बहुत वेल मेंटेन्ड होती है वो बताते हैं कि वी आर डूइंग ऑन सम दिस प्रोजेक्ट हम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो मान लो कि आपने देखा कि बंदे का इंटरेस्ट तो है न्यूक्लियर पॉलिसी पर न्यूक्लियर पॉलिसी पर है सिक्योरिटी स्टडीज़ पर है एरिया स्टडीज पर जैसे मैंने जो किया था मैं बता रहा हूँ पर अभी फिलहाल वो बंदा जो है वो बात कर वो काम कर रहा है डेमोक्रेसी पर अभी वो बंदे बंदा दूसरी चीज पर काम कर रहे हैं सो ही इज डूइंग दिस तो अब मतलब मेरा हमारा फील्ड तो सेम है बट अभी उन्होंने फील्ड क्या है वो दूसरी जगह गए हुए हैं वो वहां बिजी हैं तो क्या है? नहीं होगा यहाँ पे तो आपने क्या है? इसको कैंसिल कर दिया तो आप अब ये काम अगर आप चालीस यूनिवर्सिटीज के साथ करते हो तो बहुत सारा टाइम चल जाता है बहुत सारा टाइम बहुत सारी एनर्जी चली जाती है तो अब आप आपने क्या किया वो जो पंद्रह यूनिवर्सिटीज बीस पच्चीस यूनिवर्सिटीज आपने छाटी थी आपने उसके साथ ये काम किया तो अल्टीमेटली विल्टर आउट होकर आपके पास दस से बारह यूनिवर्सिटीज़ बच जाती हैं अब फिर हम यू नो अल्टीमेटली वी ऑल आर इंडियंस एंड वी वांट मनी हमें पैसे से मतलब है भाई ठीक है सो so, अब आपने देखा कि यार चार यूनिवर्सिटीज़ तो ना बहुत कॉस्टली जगह पर हैं ऐसी जगह पर हैं जहां रहना बहुत मुश्किल है न्यूयॉर्क में है मैनहटन में है ठीक है लॉस uh, एंजलिस में है सो so, मैन नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है कर दिस इज़ द रियलिटी है ना अल्टीमेटली वी हैड नीड टू फेस दिस तो आपने क्या किया आपने चार यूनिवर्सिटीज़ तीन से चार यूनिवर्सिटीज़ आपने बोला कि यार ये ना बड़ी कॉस्टली हैं और मुझे नहीं लगता कि हाँ मैं अगर चला भी गया विद फुल स्कॉलरशिप भी चला जाऊँ तो फिर मेरे को काम करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी वेरी हेक्टिक तो आपने वो हटा दिया आपने अल्टीमेटली आठ से दस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रख ली अब आपको ये आठ दस यूनिवर्सिटी रख ली अब आपके ऊपर आप पाँच से छः में अप्लाई करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ द थिंग दिस इज़ द पूल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होता है ठीक है अब आप लोग बोलोगे ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है अपने यहाँ सिंपल होता है <laughs> फॉर्म भरो एंट्रेंस दो एडमिशन पा लो देखो जब आपने ये आठ से दस यूनिवर्सिटीज अप्लाई की ना अब आपके पास आपने इन हर हर यूनिवर्सिटी से एक एक दो दो फैकल्टी जो है आपके पास एक दो फैकल्टी जो है ना एक हो सकता है या दो हो सकता है आपको फैकल्टीज ऑलरेडी मालूम है कि भाई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ए और बी मेरे फील्ड की जो है ना वो उस पर काम कर रहे हैं अब आपने क्या करना है सी अब आपने उनसे कॉन्टेक्ट करना है ठीक है ये सब काम करना है ये सब काम हम करेंगे उससे पहले जो मैंने यहाँ बताया ना आपको ये सब काम हम उससे पहले ये काम कर रहे होंगे ठीक है आई विल टेल कि कैसे करना है हमने ए और बी मान लो कि आपने एक्स यूनिवर्सिटी से ए को ईमेल किया एक ईमेल किया कि सर और मैम ईमेल का टैंपलेट वग़ैरह जो है ना वो आपको नेट पर मिल जाएंगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें और करनी पड़ेंगी कि मैम ऐसे ऐसे है मैंने ऐसे ऐसे इंडिया में मास्टर्स करी है इस इस फील्ड में करी है अगर आपने एम करी है तो मैंने ऐसे एम फिल की है ये मेरा रिसर्च हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर फील्ड पर मैंने काम किया है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो लोग बहुत आ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो आपको रिप्लाइज देते हैं जैसे मान लीजिए कि आपने उनको सीवी भेजा आपने अपना कुछ पहले पेपर पब्लिश किया है पेपर भेज दिए या कुछ आपने अपना राइटिंग सैम्पल जिसको हम बोलते हैं वो भेजा तो वो लोग रिप्लाई करते हैं दो रिप्लाई आते हैं कि या तो आता है यस या नो यस या नो का क्या मतलब है नो में आपको प्रोफेसर कह देता है कि लुक आई एम बिजी विद वर्क क्या मैं अभी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं मेरे पास प्लेस नहीं है रिसर्च के लिए सो आप वो आउटराइटली डिनाई कर देते हैं कि यार हम नहीं कर सकते काम उनकी कोई भी रीजन हो सकते हैं और कई बार वो ये कहते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क यू आर डन गुड अमाउंट ऑफ वर्क मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ या तैयार हूँ आप क्या करें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें जैसे ही वो आपको ये कहते हैं ना कि अप्लाई कर दें आप अप्लाई करेंगे फिर वो सारा काम तो इसका क्या इसका इसका बेनिफिट क्या है सी देखो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेक्शन होता है इस बेसिस पर एक कमेटी बनती है जितने भी वहाँ पर फॉर्म्स आते हैं जितने भी वहाँ पर अप्लीकेशनस आते हैं उनमें वो ये देखा जाता है कि विच वन इज़ बेटर अल्टीमेटली यही होता है और बेटर के लिए कई क्राइटेरिया होते हैं आपके अकेडमिक्स कैसी हैं आपके स्टैंडर्ड जो टेस्ट मैंने बताया आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कैसा है तो जब आपका एप्लीकेशन वहाँ जाएगा और एक प्रोफेसर ने आपको हाँ बोला है तो आपके एप्लीकेशन को एक एज मिलता है कि हाँ यार दिस चाइल्ड हैज़ कॉन्टेक्टेड मी बिफोर और मैंने इसका काम देखा है तो आपको एक एज मिलता है करने के लिए तो जब मैं कर रहा था तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर को ई किया था अराउंड फिफ्टी सिक्सटी परसेंट से वहाँ से आता है रिप्लाई कि हाँ ठीक है आप अप्लाई करो वी विल कंसिडर दैट तो ये अब ऐसा नहीं कि उसने आपको हाँ बोल दिया तो फिर आपका फिर वहाँ हो ही गया एडमिशन ऐसा भी नहीं है लेकिन क्या यू हैव अ सर्टेन एज आपके पास एक एज होती है तो ये एक तरीका है ये आपने करना है हर यूनिवर्सिटी के साथ हो सकता है आपने बीस लोगों को मेल किया दस से आपको मेल आया पाँच से आपको पॉजिटिव आया पाँच से नेगेटिव आया ठीक है फिफ्टी परसेंट के उसमें तो जहाँ से आपको पॉजिटिव आया है वहाँ पर आपने अप्लाई किया एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ सिलेक्शन ठीक है ये तो सारा है अप्लाई करने का जो आपने करना है लेकिन अब आपने अप्लाई भी कब करना है दो महीने जैसे चीज़ें बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हमें जो अप्लाई ही करना है ना वो सबसे पहले वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर इंटरेस्ट एंड आवर रिसर्च ठीक है ये ये वो टर्मिनल पॉइंट है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है अब क्या होता है जब हमें ये पता होता है कि रिसर्च हमें क्या करनी है और हमारा इंटरेस्ट क्या है फिर हमें कुछ क्या है सर्टेन अब हमें सर्टेन कंडीशन uh, जो हैं वो फुलफिल करनी होती हैं जैसे दो कंडीशन हमारे यहाँ होती हैं दो कंडीशन होती हैं एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है हमारे यहाँ लोग बहुत डरते हैं यार इससे इंग्लिश लैंग्वेज से कि यार ये क्या है पता नहीं ठीक है दूसरा होता है कि आपका बेसिक एप्टीट्यूड आपका बेसिक एप्टीट्यूड ठीक है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास दो टेस्ट हैं आयल्स है IELTS और एक टॉफिल है ठीक है आयल्स आप दे सकते हैं आयल्स या टॉफिल ठीक है आ, ये दोनों आपको करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत नॉर्मल हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत नॉर्मल है देखो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका बैंड स्कोर आता है नाइन में से यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये कहते हैं कि आपका छः से ऊपर होना चाहिए ठीक है सिक्स एंड अबव बहुत नॉर्मल है ठीक है नॉर्मल कैंडिडेट जिसको बोलना पढ़ना लिखना सुनना आता है दे कैन डू दैट कोई बहुत बड़ी कोई आपको यार यू यूट्यूब पर जाओ और बोलो कि यार बहुत टफ है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है आप कर सकते हो छः और छः से ज़्यादा चाहिए होता है उसके बाद में ये बहुत सिंपल है इसके बारे में आप अपनी रिसर्च अपने हिसाब से कर सकते हो किसी को लगे कि आयल्स टफ है उसको हो सकता है कोई सात दिन की प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर ले आए और कोई हो सकता है चालीस दिन की मैच इसको अच्छा स्कोर ना मिले बट ऑन एन एवरेज सब कुछ छः छः से ऊपर मिल जाता है दूसरा होता है जी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको बोलते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं ये भी मैं बता देता हूँ इसके अंदर दो पेपर होते हैं वन इज़ क्वांट एंड अदर वन इज़ वर्बल ठीक है देखो ये जो है ना ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं ठीक है इनकी अपने आप क्योंकि हम सब यू नो टेक्नोलॉजी से सारे के सारे जुड़े हुए लोग हैं हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं बस मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं क्वांट एंड वर्बल आपको क्वांट के अंदर जो मैथ्स होता है ना बेसिक मैथ्स जो हमारे यहाँ बिल्कुल बेसिक मैथ्स होता हम है हम टेंथ तक पढ़ते हैं उससे कुछ क्वेश्चन हैं और वर्बल में क्या होता है ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी इंग्लिश की वोकैब कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंग्लिश को पढ़ने की कैसी कैपेसिटी है या ये मैं कहूँ कि विल यू बी एबल टू कॉप अप विद दोज पीपल क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ से जाने के बाद सारा काम हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है हिंदी में नहीं हो रहा है वो तो अब आपको क्या है अब आपको उनके साथ कम्पीट करना है कम्पीट करना है तो यू नीड टू बी देयर साथ में हो तभी तो कम्पीट करोगे अगर आप पचास मीटर पीछे हो और कोई लोग पचास मीटर आ गए तो आप कैसे कम्पीट करोगे उनसे तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपकी कैपेसिटी ऐसा नहीं है इसमें आपके बहुत अच्छा स्कोर आ गया इन दोनों में तो आपका एडमिशन होगा नहीं और ऐसा भी नहीं है कि इनमें आपका बहुत बेसिक स्कोर आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा नहीं ऐसा भी होता है बहुत बेसिक स्कोर होता है और एडमिशन उनको मिल जाता है जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ज़्यादा जैसे जैसे मैं था तो हमारे जो जो सोशल साइंसिस के जो कोर्स होते हैं उसमें क्वांट का स्कोर ज़्यादा मायने रखता है कि क्वांट में आपका कितना अंडरस्टैंडिंग आई वाज फ्रॉम मैथ्स सो मेरे लिए क्वांट बेसिकली इजी था कि यार ठीक आई हैड डन दिस तो मैंने इसको आराम से कर लिया था तो यही होता है कि आप देखें अपनी वीक पॉइंट हमने इन दो पेपर को देखा क्योंकि ये दो पेपर बेसिक रिक्वायरमेंट है ये आपको फुलफिल करनी है हमने देखा कि यार ये दो बेसिक पेपर हैं इन दोनों बेसिक पेपर का आपने आपने एनालिसिस कर लिया कि यार मैं ना इस बेसिक पेपर में ना इन दो पेपर में मेरे ये सर्टेन पॉइंट्स ना वीक हैं आपने उन पर काम किया हम नेट जैराफी करते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं विलुक इन टू द यूनिट जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो ये आप करोगे ये बेसिक सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एनालिसिस करोगे इन दो एग्जाम्स का इसके बारे में आप सर्च करोगे यूट्यूब पर जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल सकते हो मैं कह रहा हूँ ओशियन ऑफ मटेरियल अवेलेबल है इतना मटेरियल अवेलेबल है आप पढ़ना चाहो तो यू कैन डू दैट इसके बारे में एनालिसिस करोगे ये दो पेपर होते हैं बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट होती है इन दो चीज़ों की ये हमको करनी ही होती है उसके बाद में सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से तो ये आप जैसे हम फॉर्म अप्लाई मान लो कि नवंबर में करते हैं तो ये आप इन दोनों चीज़ों को आप आइल्ट एंड जी को आप अराउंड अगस्त तक अगस्त या सेप्टेम्बर तक आपको ख़त्म करना होता है उसके बाद आपने फॉर्म अप्लाई करने का नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होता है तो ये प्रोसेस है ये आपको सारा फॉलो करना होता है बाहर के लिए तो दिस इज़ द प्रोसेस और सबको लगेगा बड़ा लंबा है यार ये तो बहुत मेहनत है ऐसा ऐसा नहीं है सी यू विल बी पेड ऑफ़ आपका ये जो मेहनत है इसकी आपको उसको आपको फल मिलेगा ठीक है तो ये सारा प्रोसेस है मैंने ये सारा किया था भाई ठीक है एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम समय लगता है ऐसा नहीं है पैसे लगते हैं वो भी बात है पर ये आपका कांस्टेंट जो एफर्ट है उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलता है ठीक है सो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो बताओ अच्छा hmm? hmm. hmm. ये हाँ तो देखो सबसे पहले सबसे बेसिक क्या है सबसे पहले बेसिक सी है कि आपके पास आपके मास्टर्स का सारा जो काम हो रखा है आपने अपनी मास्टर्स वगैरह करी है तो सबसे पहले आप करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट लिस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव यूनिवर्सिटीज़ आपने अपनी निकाली उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ निकालने के बाद आप आगे उनको एलिमिनेट uh, करते करते दस से बारह पे दस से बारह के बाद भी आपका फर्दर एलिमिनेशन आप कैसे करना चाहते वो depend हैं वो डिपेंड करता है तो आपने क्या प्रोफेसर्स को ई किया प्रोफेसर्स को ई किया तो हम मोटा मान लेते कि आपने फिफ्टीन यूनिवर्सिटीज़ के थर्टी प्रोफेसर्स को ई किया है और आपको पंद्रह से फिफ्टी uh, परसेंट से आ गया पंद्रह प्रोफेसर से आपको ईमेल आया पंद्रह में से भी सात ने आपको बोल दिया कि भाई हम नहीं ले सकते आठ ने बोला कि ठीक है हम कर लेंगे आप जिन आठ से आया आपने उन आठ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का सोचा तो उससे पहले जिसमें आपने सोचा है आपने थोड़ा सा देखा कि हाँ मैंने पर्टिकुलर प्रोफेसर्स ने क्या क्या काम किया उस हिसाब से आपने अपना काम किया फिर आपने ये एग्ज़ाम्स देने फिर आपने वहाँ अप्लाई करने ठीक है ये प्रोसेस है और एप्लीकेशन का मैंने बताया आपको एप्लीकेशन का ये जो सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में बताई थी ये 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 जो सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपका लेटर रिकमेंडेशंस ये दो काम आपके बहुत बेसिक हैं एलो आर आपके हाथ में नहीं है आपके प्रोफेसर के हाथ में सो यू नीड टू बी इन टच विद दैट पर्सनल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ पर एंड वाई यू वॉन्टेड टू ज्वाइन ये हर जगह नहीं आता बट ये जो दो चीज़ें हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मतलब आप ये लगा लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन की बैकबोन है ये आपके एप्लीकेशन की वो बैक बोन है जो आपके एप्लीकेशन को जज कराने में मेहनत उनकी कम लगाएगी और जितनी कम उनकी मेहनत होगी मेहनत कम तभी हो सकती है या तो वो एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो या वो एप्लीकेशन बिल्कुल बेकार हो अगर मेहनत एप्लीकेशन बहुत अच्छा है अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो दे विल सिलेक्ट यू ठीक है और एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि दे आर वेरी जनरल अबाउट स्कॉलरशिप कि आपका पी में एडमिशन होता है तो दे गिव यू स्कॉलरशिप हंड्रेड होता है यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट में आप पर्टिकुलरली मैं बोलूँ वेस्ट में बिना स्कॉलरशिप्स के पी नहीं होती हैं दे विल नॉट गिव यू एडमिशन जैसे मुझे एडमिशन मिला और मुझे एडमिशन मुझे चार यूनिवर्सिटीज से मिला तो मुझे एडमिशन मिल मिला था तो ये कोविड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मुझे क्लियरली ये बोला कि वी विल कॉल यू आफ्टर सिक्स मंथ्स हम आपको छः से सात महीने बाद बुलाएंगे क्योंकि अभी हम स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो जब हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे वी विल कॉल यू देन तो तब तक मैंने कहा ठीक है मैं आई विल डू माई व्ययर मैं अपना यहाँ काम करूँगा तो ये आपको कंसिडर ही तब करेंगे जब वन दे विल हैव स्कॉलरशिप तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि यार पता नहीं कैसे हो गया वो सो भी जनरस योर वर्क बी ऑनेस्ट अबाउट योर कि यार हाँ मैंने ये करना है मैं ये करना चाहती हूँ ऐसे। तो और डरे मत प्रोसेस से सबसे पहले इतना बड़ा लगे ना लोग डरने लग जाते कि डरे ना मत हमारे यहाँ प्रोसेस और भी लंबा है हम हमारा प्रोसेस पाँच छः साल चलता है यहाँ सिर्फ एक ही बार चलता है तो डरे नहीं इतना मुश्किल नहीं है और मैं बताता हूँ इंडिया के और अपने यहाँ के नॉर्दन प्लेन्स के जो लोग हैं आर वेरी टैलेंटेड ठीक है बस उनको ना वो स्पार्क नहीं मिलता उनको वो स्पार्क नहीं मिलता दे आर फुल ऑफ एनर्जी सो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स तो आप वो हैं दैट यू कैन डू बस ये ना सोचे कि यार गोरे हमसे तेज़ हैं गोरे तेज नहीं हैं <laughs> गोरे कहीं तेज़ नहीं हैं ठीक है हम यू नो वी यूज टू बी सम जो वो कभी नहीं बन सकते तो हमने बहुत कुछ किया है हिस्ट्री में यू नो वी हैड अ ब्राइट हिस्ट्री तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छा फ्यूचर बनाए सो डरे नहीं डरने का कोई नहीं है सर बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ दैट्स इट बी कॉन्फिडेंट दैट जंप इन टू देट दो ही चीज़ें होंगी या तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे अगर नहीं कूदोगे तो यार हमेशा रहे यार कूद जाता तो सही था तो इट्स नॉट कि यार हम ये नहीं कर सकते यू कैन डू दिस एवरी वन कैन डू दिस बट ये कि आप अपने आप को समझें ठीक है, अभी बताओ अभी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो हाँ यूर ओडेबल प्लीज आस्को बता है देखो ये ना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर जाना पड़ेगा जैसे मैं अभी अगर आपको बहुत पर्टिकुलरली बताऊं तो कोविड के बाद क्या हुआ था कोविड के बाद यूनिवर्सिटीज़ ने जी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया था जब मैं जब दे रहा था तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था बिना जी के हाँ तो ऐसा आपको ना हर यूनिवर्सिटी के साथ जाके देखना पड़ेगा कि वट आर देयर रिक्वायरमेंट्स तो आप वहां जाके उनको देखें कि यार हाँ मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसमें हो सकता है कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो तो वो आप वहां से समझेंगे ठीक है फिर आप उसको ब्रॉडन आउट करते करते लेकर आएंगे कि अच्छा ठीक है हर यूनिवर्सिटी की मैंने रिक्वायरमेंट देख ली और मेरे को अगर स्टैंडर्ड एग्जाम्स देने हैं तो आपने वो दे दिए और अगर यूनिवर्सिटी एक्जाम्ट कर रही है आपको स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए जितना मेरे को पता है अभी के टाइम पे एक्जैम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कोविड इज गॉन फ्रॉम द कंट्रीज तो अब वो आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको देने पड़ेंगे दोनों एग्जाम हाँ हा देखो ये आपको दो चीजें हैं मैं आपको पहले बताऊंगा सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ लिंकड ऐप जो है ना आपकी वो इम्पोर्टेंट है उसमें प्रोफेसर जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं जैसे जब मैं कर रहा था तो आई वॉज ऑन दैट प्लेटफॉर्म और मैं देखता रहता था प्रोफेसर को कि वो किस पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहे हैं अगर मान लीजिए आपने देखा कि एक प्रोफेसर हैं वो काम कर रहे हैं उस पर और आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गए तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट मिलते हैं तो जब मैं ये चीज़ देख रहा था तो वहाँ पर थे सारी चीज़ें तो आपको वो थोड़ा सा ये लेबर काम करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी उनको ईमेल्स करने पड़ेंगे तो ये थोड़ा सा है ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑल राइट right, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें उस इंफॉर्मेशन को जाके निकाल के लाना पड़ता है यस yes, यस yes, yes. hmm? और कोई पूछना चाहता है तो बताओ फिर इसको खत्म करते हैं भाई हाँ भाई बताओ हाँ शेखर बताओ हाँ शेखर की नहीं नहीं देखो आपकी बात सही है देखो बिना फंड के वेस्ट में आपको पीएचडी नहीं कराएंगे वेस्ट आपको बिना फंड के पीएचडी नहीं कराता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा देखो जब आप अप्लाई करते हो तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है उधर तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा अराउंड नवंबर दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है उस पर मिलता है आपको फंडिंग मिलता है ऐसा नहीं है और मैं ये कहूंगा कि मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं जितने मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर ऑन फंडिंग वो कम्प्लीट फंडिंग पर जाते हैं तो ये पैसा इज नॉट एन इशू एट ऑल हाँ 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 दूसरा देखो एक और भी बात है मैं आपको एक और बात बता दू असिस्टेंटशिप दो तरह की होती है ठीक है एक तो होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप जिसमें आपको पर लेक्चर का पे किया जाता है ठीक है लेकिन उसमें आप वीक के कुछ पर्टिकुलर आर सी पढ़ा सकते हो और एक होती है रिसर्च असिस्टेंटशिप जो कि आपको पर मंथ एज ए स्टाइपेंड मिलती है स्टाइपेंड सैलरी जिसको बोलते हैं तो वो दो होती हैं आपके पास आपको जरूरत नहीं पड़ती बाहर काम करने की हाँ 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 दोनों साथ ले सकते हो सी तो वो तो देखो अब वो यू नीड टू बियर दैट एनी हाउ वो आपको करना पड़ेगा लेकिन आ, जो आपको स्टाइफंड और जो दिया जाता है दैट इज़ एनफ टू सर्वाइव सर्वाइव के लिए वो एनफ होता है ज, मैं ज, जैसे मेरे दोस्त हैं वो दे आर इन टेक्सेस और उनको मिलती है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड यू और उनका थर्ड ईयर है सो so, वो ये कहते हैं कि एक अमाउंट वो बचा लेते हैं तो एटलीस्ट वी आर इंडियंस यार हम पैसा बचा सकते हैं हमें मालूम है हाँ 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 हा, बहुत बहुत मैं कहता हूँ आप जो भी यहाँ मास्टर्स के स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी आज से लिखने की हैबिट मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये बात बोली कि हमारे यहाँ लोगों को लिखने की हैबिट नहीं है तो स्टार्ट राइटिंग आप लिखना शुरू कर दो रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल आपको आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो लिखना स्टार्ट कर दो दैट विल भी बेनिफिशियल वो बेनिफिशियल होगी हाँ मास्टर्स okay. yeah. yes, हाँ, के लिए दो पीएचडी के लिए थ्री uh, देखो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता सी डिपेंड करता है अगर आप स्टेम के कोर्सेज में जा रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बेस्ट है हो सकता है आप अगर जर्मनी जाओ तो दैट इज वे मोर बेटर यूनाइटेड स्टेट्स तो ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है सी जब मैं कर रहा था तो आई हैड अ पर्टिकुलर एम्बिशन मेरे को ना यहां जाना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यस yes. हाँ, हाँ इसमें ना देखो इसमें होते हैं वन थर्टी वन थर्टी के होते हैं वन थर्टी वन थर्टी के होते हैं और इसमें जैसे टोटल है ना जो ये 360 का होता है ये एग्ज़ाम ठीक है 360 का होता है इसका मार्किंग बहुत ना अजीब सा होता है इसका मार्किंग बहुत अजीब सा होता है अगर मैं आपको बोलूँ ना थ्री थ्री सिक्सटी का है तो इसमें आपको अब मोर देन थ्री हंड्रेड ले लो मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल होता है एक बार इसका थोड़ा ना जाकर पढ़ना और आप लोग इसके जो क्वेश्चन देखोगे ना मतलब क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ ठीक है क्वेश्चन ऐसे आते हैं टू इंटू एक्स प्लस टू का होल इक्वल टू एटीन ये क्वेश्चन आते हैं क्वांट में <laughs> मुझे इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है ठीक <laughs> है वो वो वाले क्वेश्चन होते थे आंधी आई पेड़ गिर गया टूट गया यहाँ से ये यहाँ पर सिक्सटी डिग्री बन गया बताओ इसकी हाइट कितनी है ये क्वेश्चन आते हैं तो सी मैं बता रहा हूँ वो नाम बस बहुत ऐसा है ग्रेजुएट रिकॉर्ड पता नहीं कैसा है ये बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है वो आपको ये दे देगा ये कोई भी स्ट्रक्चर दे, दे देगा बोलेगा इसका सरफेस एरिया निकालो ठीक है बहुत बहुत सिंपल बहुत सिंपल होता है बस आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है और जो हमारी जो ड्रॉबैक बनती है वो बनती है वर्बल सेक्शन जहाँ हमारी वोकेब्लरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हमारी वोकेबलरी बहुत इंग्लिश आती है हमारी वोकेबलरी ना धड़ाम से नीचे गिर जाती है ठीक है और उसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा तीन दो महीना तीन महीना बहुत है हाँ और कोई पूछना चाहता है भाई गैप देखो हाँ स्टडी गैप देखो है ये आप एक इशू है लेकिन आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं हो सकता है अगर एक विमेन है वीमेन कैन बी मैरिड उसकी शादी हुई है तो दिस इज़ अ थिंग अल्टीमेटली लाइफ में ये चीज़ें होती हैं सो so आप मैं बताया आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना आप उसमें सब लिखेंगे किसी आई हैड अ गैप फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर इस ईयर में मैंने ये काम किया या आई हैड सम काइंड ऑफ कंडीशन फैमिली कंडीशन जिसमें मेरी शादी हो गई या जो भी था या हो सकता है किसी ने एक साल दो साल जॉब की हो तो जॉब का लिखेगा या अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो वो लिख सकते कि आई टूक ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज सिंपल है जो है उसको सच लिख दो कोई दिक्कत नहीं है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है गैप का ऐसा मतलब ये नहीं कि आपने मतलब तो क्राइम कर दिया लेकिन क्या है बस आपको उसको लिखना जस्टिफाई करना चाहिए दैट नहीं आपको फिर सीधा रिजल्ट आता है आपको सीधा रिजल्ट आएगा कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप हम आपको डिनाई कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होता ऐसा जो आपने एप्लीकेशन दी है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो और आपके जो स्टैंडर्ड एग्जाम है वो नहीं, होता है। नहीं कई जगह होता है कई जगह वो लोग लो ले लेते हैं जैसे वो क्या करते हैं जैसे उन्होंने मान लो कि पंद्रह स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस भेज दिया सो दे हैवे बड़ा ही वो इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है जानने के लिए एक बार एटलीस्ट उनको देखने के लिए शक्ल देखने के लिए क्या है मैं जब मैंने दो तीन जगह ऐसा किया तो बहुत इनफॉर्मल होता है ऐसा नहीं होता कि वो बहुत आपसे आपकी बहुत इन डेप्थ नॉलेज में जाना चाहेंगे नहीं, नहीं नहीं बहुत एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है सो so ऐसा कुछ नहीं है बस प्रोसेस ये सारा है ये सारा प्रोसेस है हाँ वो तो देखो अब आपका अगर इंडिया में अगर आप हो अब वो पी एच डी करनी है तो यू शुड है जे आर एफ या सी एस आई आर की स्कॉलरशिप हो या आई सी एस एस आर की वहाँ ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसा कुछ नहीं चाहिए वो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है तो वो तो जो है एक कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड आई थिंक जो भी वहाँ आपको वहाँ के हिसाब से वो चीज़ें पे की जाती हैं तो अगर आपके पास यहाँ नेट जी है तो यू हैव एन एज आप लिखते हो अपनी प्रोफाइल में मैं कह रहा हूँ जो भी छोटी से छोटी अचीवमेंट भी है आपका यूनिवर्सिटी में मेडल है क्लास के टॉपर हो आप, आपने लिखा है आपका नेट जे है आपने वहाँ लिखा है कि यार ऐसे ऐसे इंडिया में एक बहुत टफ एग्जाम होता है और हमने वो किया हुआ है आपका यहाँ स्कॉलरशिप है तो आप वहाँ लिखते हो कि यार आई मै जूनियर रिसर्च फेलो तो ये सारी चीजें आपको मैंशन करनी है ये सारी आप कर सकते हो मैंशन कोई प्रॉब्लम नहीं आप मेंशन कर सकते हो बिकॉज वो शो करता है कि आप अपने लाइफ में कब से क्या करते हुए आ रहे हो ठीक है तो ये चीज़ें आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई वुड से कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि आप अपने इंटरेस्ट को समझें आप लिखना स्टार्ट करें आप अपनी लैंग्वेज पे को अच्छा करें और लैंग्वेज में अगर आप आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थिंक लैंग्वेज इज़ ए पासपोर्ट लैंग्वेज जो होता है वो कोई कल्चरल बैरियर नहीं होता जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि यार ये तो इंग्लिश में टप टप कर नहीं लैंग्वेज एक एक पासपोर्ट की तरह है वो आपको दुनिया दिखाने का एक लाइसेंस देता है देखने का कि यार यू कैन गो इन टू सम समदर कंट्री और वहाँ आप सर्वाइव कर सकते हो तो उसको ऐसे मत देखो कि यार बहुत ही टफ है पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बस उसको समझने की कोशिश करो और आप कर लोगे मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर कोई कर सकता है कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो ये काम नहीं कर सकता एटलीस्ट हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं कर सकता बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं ना कर लूँगी ठीक है सर करें हो गया और किसी को कोई क्वेश्चन है भाई तो तो भी हाँ जा सकते हैं डॉक के लिए आप जा सकते हो वो बहुत तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है वो तो चीज़ सेम है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है उसमें पर देखो स्टिल वहां फिर एक चीज ये आती है कि जो काम आप यहाँ कर रहे हो ना दैट शुड बी ऑफ टॉप नोच क्वालिटी ऐसा नहीं है कि यार हम चार साढ़े चार साल हमने जे आर एफ खाई मस्त आराम से गाड़ी लेके घूमे फिर हमने एक थीसिस छपवा ली बाहर से और फिर हम बोलते हैं कि यार ना विल गो फॉर पोस्ट डॉक हाँ सीरियसली भाई आ, वो तो उसकी तो बात ही अलग है तो ये क्योंकि जो हमारे यहाँ जो कॉमन प्रोसेस होता है पी का वो यही होता है ना कि जी आर एफ ली थोड़े दिन थोड़े दिन होते होते मस्ती में वो साढ़े चार निकल चार साढ़े चार साल निकल जाते हैं तो ये फिर थोड़ा सा देखने वाली बात ठीक है तो और कोई क्यूरी भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी कोई क्यूरी है भाई ठीक है। चलो ठीक है करते हैं सर है ना तो ओके फिर देखो अराउंड अराउंड सात से आठ महीने लग जाते हैं अगर आप जनवरी में स्टार्ट करते हो तो आई थिंक नवंबर तक तो देख लो आप नौ दस महीने का प्रोसेस है आपको थोड़ा सा नौ दस महीने अलर्ट रहना पड़ता है आप अपनी रिस, आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने से लेकर अप्लाई करने तक नौ दस महीने लगते हैं देखो आई थिंक मोटा मोटी समय अगर मैं बोलूँ तो फरवरी मार्च में आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं फेब मार्च में कई बार अप्रैल में भी आते हैं कई बार मई तक भी आते हैं तो दैट डिपेंड्स ना कि यूनिवर्सिटी कौन सी है तो वो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है इंडिया की तरह की हम इसी पर्टिकुलर टाइम में एडमिशन लेंगे हाँ देखो यहाँ फिर वही बात वह है थोड़ी सी आपको बहुत पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ तो जो फॉल का जो सीजन होता है Uh, उसमें आपको फंडिंग के लिए पूरा uh, दिया जाता है और बाद में यूनिवर्सिटीज़ क्या है वो ज़्यादातर फॉल में ही अपनी सीट्स को फिल कर लेती हैं बाद में वो फॉर्म नहीं निकालती हैं कई बार कई बार निकालती हैं तो वो फिर एक अलग बात है आप uh, को देखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में निकाल रही है विंटर में निकाल रही है लेकिन ज़्यादातर एडमिशन फॉल में होता है जो वहाँ पर जो जुलाई अगस्त का महीना होता है ना उस उस टाइम पर ये आप वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन दी होती है जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे हर छोटी से छोटी डिटेल्स वहां पर लिखी होती है हर चीज वहां पर मेंशन है आपको सिर्फ वो वेबसाइट्स खोल के देखनी है हाँ ओके भाई ईस्ट और वेस्ट एमडीयू इज वेस्ट <laughs> देखो भाई वो आपकी करते हैं हाँ जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स की है उसमें प्रेफरेंस होती है कि हम वहीं पीएचडी करें चलो ठीक है भाई वाइंड अप करते हैं थैंक यू सो मच आप सब लोग ज्वाइन किया आप सबने थैंक यू सो मच और ये वीडियो लेक्चर जो यूनिक डिजिटल कैंपस का जो यूट्यूब पेज है उस पर भी रहेगा तो अगर आप बाद में देखना चाहो तो देख सकते हो और आप कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप हमारी जो वेबसाइट है जो ईमेल है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो थैंक यू सो मच थैंक यू मिस्टर अभी तो किसी स्टूडेंट की अभी भी कोई क्यूरी है तो ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये यूनिक डिजिटल कैंपस के यूट्यूब चैनल पे हम डाल देंगे किसी की क्यूरी है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हम हमें बता सकते हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा ओके यूट्यूब चैनल का लिंक आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कमेंट सेक्शन जो मीटिंग अभी चल रही है चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं डाल दिए सर तो वहाँ से आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं